जैसे आपको अभिनंदन का पता है, अगर हम फजाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं। मैं एज ए रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। मैं तो समझ रहा था आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इंडिया से तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ 583 यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ जी, ये मैं एज ए रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। यार वहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि वो पाकिस्तान से भी बुरा यहाँ के लोग समझते हैं। नहीं नहीं, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है, मैं एज ए रिसर्चर आपको बता रहा हूँ कि 583 यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और क्या क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, और उनके तालीमी निज़ाम, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? तरक्की क्या पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इंडिया? मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ, पाकिस्तान अभी पीछे है इंडिया से। किस हवाले? एजुकेशन सिस्टम में। और तरक्की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो? डेवलपमेंट अगर हम देखें ना, अगर हम फजाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पैलेट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको अभिनंदन का पता है, तो अभिनंदन का तो पता है, लेकिन कोई पाकिस्तानी जो है परवेश मेहंदी कुरैशी के बारे में बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? जिनको नहीं पता परवेश मेहंदी कुरैशी कौन है, वो पाकिस्तान के एयर चीफ रह चुके हैं। एक बार वॉर में उनका जेट जो है शॉट डाउन हो गया था, और इंडिया ने उनकी 1.5 साल तक खातिरदारी करी थी। पाकिस्तान इस चीज को क्यों नहीं बताता? अभिनंदन आप करते रहते हो अभिनंदन, लेकिन परवेश मेहंदी कुरैशी के बारे में तो बात करो। 1.5 साल तक रखा था हमने उनको, आपने तो 48 घंटे में छोड़ दिया था, और इतना बड़ा हवा बना दिया था। अभिनंदन का तो पूछो मत, अभिनंदन ने तो आपके कैसे जेट को खरीदा था, भूल गए ये चीज आप? हो जाता है, शॉट डाउन हो गया, उनका भी लड़ाई में चलती है चीजें, लेकिन आपने तो 48 घंटे के अंदर ही उनको छोड़ दिया था, इतना बड़ा हुआ बनाने के बाद। और यहाँ पे परवेश मेहंदी कुरैशी को हमने 1.5 साल तक खातिरदारी करी थी। खैर, वो तो 93,000 फौजियों की भी हमने करी थी पाकिस्तान के। और जब कारगिल हो रहा था ना, तो इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान में दवा के बम बरसा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स वहाँ पे आई नहीं थी। क्यों? क्योंकि परवेश मेहंदी कुरैशी को हमारे इंडिया की खातिरदारी पता थी, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है, मैं कहीं हवा में बात नहीं कर रहा, आप चेक कर लेना इस चीज को। परवेश मेहंदी कुरैशी को हमारी खातिरदारी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी पाकिस्तानी एयरफोर्स को भेजा ही नहीं, कारगिल में इंडियन एयरफोर्स इंक्लूड थी। तो अब हर पाकिस्तानी जो अभिनंदन बोलने से पहले याद करेगा ये मेरी वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो जो है हर पाकिस्तानी तक फैला दो ही, उन्हें भी पता चलना चाहिए असली गुरु कौन होता है। Once more! अगर हम फजाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।